आज मैं फिर आपके सामने एक हाफ के जी का चॉकलेट केक का डिज़ाइन लेके आई हूँ, तो बहुत ही सिंपल सोवर होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल पे जो लोग नए हो ना, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज ना मैंने इस केक में बहुत बड़ी गलती भी करी है, तो आगे मैं एंड में बताऊँगी कि मैंने गलती क्या करी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये जाने वाला था टेस्ट के लिए, मेरा केक कोई ओकेज़न नहीं था। तो ये हाफ के जी का चॉकलेट केक है, तो इसको मैंने 6 इंच की टिन में बेक किया है, क्योंकि मेरा जो 5.5 इंच वाला टिन है वो गंदा था। मतलब मैंने एक और केक बेक किया था तो वो मैंने जो है अलग निकाल दिया था, तो इस वजह से मुझे दूसरा टिन यूज़ करना पड़ा। आप चाहो तो इसको 5.5-5 इंच में भी इसको बेक कर सकते हो। और आज का केक मेरा थोड़ा सा ओवर बेक हो गया था, तो इस वजह से फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। पहली तो ये गलती हुई है, फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ओवर बेक हो गया था। इसकी वजह से मेरी केक की लेयर प्रॉपर नहीं निकली थी, सिर्फ एक लेयर ही अच्छी निकली थी जो कि मैंने टॉप पे लगाई थी। ठीक है, तो दो लेयर्स मेरी थोड़ी थोड़ी टूट गई थी, क्योंकि जब हम ओवर बेक कर देते हैं केक को तो होता क्या है, वो बिल्कुल टूटने लगता है। तो आप लोग इस चीज़ का, अगर आप लोग गैस वैस पे बेक करते हो या हीटर पे बेक करते हो, मैं हीटर पे बेक करती हूँ, तो कभी कभी क्या होता है, काम करने के चक्कर में हम भूल जाते हैं तो वो ओवर बेक हो जाता है। कभी कभी तो मेरा केक जल भी जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और OTG में क्या होता है कि आप उसमें एक टाइम सेट करते हो तो उसमें केक जलता नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो बस मैंने जो है अपना जैसा संभल करते हैं वैसा संभल कर देंगे। और आज मेरे पास जो चॉकलेट वाला चोको चिप्स होता है वो नहीं था, तो मैंने आज वाइट वाला यूज़ किया है, जो कि मुझे 1/2 kg 185 का पड़ा है। ये वाला चोको चिप्स उस चोको चिप्स से थोड़ा सा कॉस्टली आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वाइट चॉकलेट अगर महंगी है तो आपको ये भी थोड़ा सा महंगा मिलेगा। ठीक है, तो हमने पहले अपना बोर्ड रखा, उसमें क्रीम लगाई और उसमें अच्छे से सोक कर दिया अपने उसको स्पॉन्ज को। फिर मैंने उसमें गनाज को अच्छे से डाला और फिर क्रीम डाली, फिर गनाज डाला, और ऐसे करके सारी लेयरिंग कर दी चोको चिप्स डाल के। और फिर हमने उसको 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज की मेरी जो लेयर्स थी वो थोड़ी अनइवन थी इस वजह से। वैसे मैं बहुत रेयर है कि रखूँ सेट होने के लिए, आप लोग रखते हो तो अच्छी बात है, बट मेरा क्या होता है कि अर्जेंट ऑर्डर है तो फिर मैं नहीं रख पाती हूँ। बट आज मैंने जो है 15 मिनट रखा था, क्योंकि उनका कोई अर्जेंट ऑर्डर नहीं था, एक्चुअली कोई ओकेज़न नहीं था इस वजह से। तो अगर 10-5 मिनट लेट भी हो जाता तो कोई इशू नहीं था। तो बस हमने अपनी फिर केक को निकाल के और उसमें अब हम अपना फाइनल आइसिंग कर रहे हैं। तो इस टाइम क्या हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, बट इस टाइम से इधर 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि जब भी मैं क्रीम को फ्रिज से निकालती हूँ तो क्रीम फटी फटी सी रहती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो फिर उससे जब हम वर्क करते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती। तो उसके लिए आप एक टिप जो है आप फॉलो कर सकते हो कि जब भी आप क्रीम को निकालो उसके बाद उसको तुरंत मत यूज़ करो, उस क्रीम को अच्छे से आप फिर से जो है अपने स्पैचुला से अच्छे से उसको मिक्स करो, खूब अच्छे से स्मूथ करो, तब आप उसको यूज़ करो, तो उसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप फटी हुई क्रीम से काम करेंगे तो उसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप देख सकते हो मेरी क्रीम फटी हुई थी हल्की सी, फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद मेरे केक में प्रॉपर फिनिशिंग आ गई थी। क्योंकि आजकल बारिश और गर्मी का मौसम है तो इस वजह से हो जाता है, क्योंकि अभी तक मेरे साथ नहीं हो रहा था। इधर जो मैंने 2-3 केक बनाए हैं उसके साथ मेरे साथ उसमें मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसको अच्छे से मिक्स करो, ये मत सोचो वो क्रीम ख़राब हो गई है, उसको अच्छे से मिक्स करो फिर यूज़ करो। फिर देखिए मैंने फ़ाइनल फिनिशिंग करके और हमने अपने पैलेट नाइफ में फैब्रिक को फंसा के और उसको अच्छे से केक बोर्ड को हमने क्लीन कर लिया है, क्योंकि इसमें भी मुझे बॉर्डर नहीं देना था, मुझे ड्रिप्स देनी थी। इस वजह से जब बॉर्डर्स देते हैं तो अगर आप एक समय नहीं भी फिनिशिंग करते हो तो वो बॉर्डर में हाइड हो जाता है। अब मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी, जो मेरा गनाश मैंने बनाया था वो बहुत ही थिक हो गया था एसी में। तो मतलब मैं एक तरफ ये भी सोच रही थी कि ये बहुत थिक है, मैं कैसे इसको स्प्रेड करूँगी, और दूसरी तरफ मैं केक पे उसे पोर करती जा रही थी।
तो मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिमाग कहाँ था पता नहीं, क्योंकि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उसको पोर किया, तो पोर तो हो गया अच्छे से, फिनिशिंग भी आ गई। बट होता क्या है, जब हम गनाश को बनाते हैं तो मैंने एक्चुअली इसमें चॉकलेट ज़्यादा रखी थी और अपनी फ्रेश क्रीम या क्रीम आप जो भी यूज़ करते हो वो मैंने कम रखी थी, जिसमें अच्छा खासा रिच उसका जो है फ्लेवर आए, अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आए। इस वजह से इसमें मैं अगर थोड़ा सा जो है दूध या क्रीम कुछ भी ऐड कर देती तो अच्छा इसका जो है फ्लोई इसका बैटर बन जाता, सॉरी गनाश बन जाता, ठीक है। बट मैंने ये गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। फिर बाद में मुझे जो है काफ़ी जो है मतलब लग रहा था कि अगर शायद ये कोई बड़े ओकेज़न में जाता तो पता नहीं क्या होता, तो इस वजह से पता नहीं बनता वो। तो बाय चांस कि मेरा केक अच्छा बन गया, बट अगर ना बनता तब तो पूरी मतलब मेहनत ही ख़राब हो जाती। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। फिर उसके बाद अब ये वाला गनाश क्या था ना, फिनिश नहीं हो रहा था क्योंकि ये ऑलरेडी थिक था। उसके बाद एसी में काम कर रहे थे, वो जितनी पतली लेयर होती जा रही थी वो वैसे ही सेट होता जा रहा था। फिर मैंने इसमें पैलेट नाइफ से ऐसे करके इसमें जो है वो कर दिया, पैटर्न बना दिया, जिससे मुझे बिल्कुल इसका सरफेस प्लेन ना करना पड़े। इस वजह से ठीक है, अब इसमें साइड में ड्रिप्स भी नहीं आई थी, ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, अपना जो मलास का मेरा सॉस है उससे मैंने फिर इसमें ड्रिप्स बना दी। आप देख सकते हो वो थोड़ा सा शाइनी है, वो थोड़ा सा मैट है। फिर हमने जो घर में अपनी गार्निशिंग बनाई है वो रखी थी, मैंने उसको लगा दी, दो मैंने वो लगा दी, और फिर बीच में मैंने चेरी लगा दी। उसके बाद मैंने वाइट जो है चोको चिप्स मैंने थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए। आप चाहो तो ऐसे प्लेन भी रख सकते हो, ऐसे भी अच्छा लग रहा था, बट मैंने सोचा ऊपर भी थोड़ा सा तो कुछ वाइट हो, तो इस वजह से मैंने उसको स्प्रिंकल कर दिया था। और बस मेरा केक जो है अच्छे से बन गया था। बस एक दो गलतियाँ हुई आज के केक में, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब ये रहा मेरा केक का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।